हाँ शीर क्या खाएगा? आड़ू का कटेल। भाई सुनिए, आड़ू के कटेल बनाओ, आड़ू के कटलेट बनाओ। खाएगा? हाँ। यहाँ पर मैं आलू चढ़ा दी हूँ कुकर में, इसके हम बनाएंगे जबरदस्त कटलेट। कोतमीर 3 हरी मिर्च है और पुदीना 1 मीडियम साइज की प्याज है। इनको हम चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉपर में जैसा हमको चाहिए उसी तरह से ये अच्छे से चॉप कर लेता है। बहुत अच्छी मिर्च है, चॉप हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बारीक, ज़्यादा बारीक भी नहीं, जैसा हमको चाहिए वैसा ही अच्छे से कट चुका है हर चीज़। यहाँ पर आलू भी माशाल्लाह से अच्छे से उबल चुके हैं। अब इनको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इनका छिलटा निकाल लेंगे आलू का। A few moments later. यहाँ पर आलू को मैंने अच्छे से छील ली हूँ और ये इसको हम मैश कर लेंगे, या ग्रेट कर लेना या तो मैश कर लेना, इसको पीसना नहीं है, इजीली मैश हो जाएगा। देख सकते हैं इसको मैश करने के बाद मिलते हैं। यहाँ पर अच्छे से मैश हो चुका है आलू, अब इसमें थोड़े से हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे हम प्याज, कोतमीर और हरी मिर्च जिसको हमने चॉप कर लिया, सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं थोड़े से मसाले ली हूँ, आप देख सकते हैं चिली फ्लेक्स है, थोड़ी सी अजवाइन है, ये ज़ीरा पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है और लाल मिर्च ब्लैक पेपर रहता ना वो है, ये चाट मसाला, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक है। अगर अदरक लहसुन के पेस्ट के अलावा आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पाउडर भी मिलता है, मेरे पास पाउडर नहीं है इसलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। सब इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं हाफ लेमन ऐड कर रही हूँ। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं मोजरेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप इसमें बारीक काट कर गाजर और खीरा ऐड कर सकते हैं वेजेस। इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसके हम छोटे छोटे टिकिया बना लेंगे। जैसे शामी कबाब बनाते हैं ना, इसी तरह से हम इसकी टिकिया बना लेंगे। यहाँ पर बनके रेडी हो चुके हैं कटलेट, अब इनको हम कॉर्नफ्लावर में डिप कर लेंगे। इसके लिए हम कॉर्नफ्लावर का आटा बना लेंगे जो उसका बैटर रहता है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम एक देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका पेस्ट बन चुका है। इसको हम साइड पे रखेंगे और ये है, मैं ये कॉर्नफ्लेक्स रहता ना सादा वाला, उसको एकदम बारीक सा पीस ली हूँ, इसमें हम डिप करेंगे। सबसे पहले कॉर्नफ्लावर में, उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स में डिप करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड का भी, ब्रेड को भी एकदम सुखा कर उसको बारीक पीस लेंगे तो इसी तरह से बनेगा, वो भी उसमें भी डिप कर सकते हैं। सबसे पहले कॉर्नफ्लावर में अच्छे से डिप कर लेंगे, उसके बाद हम ब्रेड का कॉर्नफ्लेक्स में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। इस तरह से आप स्टोर कर कर भी फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब दिल बोले जब आप निकाल कर ईजिली तल कर खा सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आप स्टोर।
क्रिस्पी एंड क्रंची कटलेट बनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हाशिर अहमद को देते हैं। हाँ शीर, ये बन गए तेरे कटलेट। जल्दी से खा के बता के कैसे बने हैं। निगले आप खाए, अच्छा है।